वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथियों, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, 2 मिनट ही लाऊंगी और गल भी कोई ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी। तो पंजाब के जिहड़े हुण दे हालात हैगे कित्थे पहुंचे आ, तो उन्हां नाल असीं किद्दां निपटना हैगा, बस ये 2 गल्लां ही मैं उदाहरण के रूप च कह जाऊंगी। एक छोटी जी स्टोरी मेरे नाना जी सुनाउंदे हुंदे सीगे कि कोई जिहड़ा आदमी सीगा अपने व्यापार लई जां कितें बाहर गया, तो जान लगा अपने नौकर नूं, जिद्दां अपनी माँ बोती ते एक उन्हां दा बहुत वफादार जिहड़ा कुत्ता सीगा ते घर दी संभाल नौकर दे हत्थ च दे गया। कहिंदा मतलब कि असीं जदों अपने पंजाब दी जां अपने देश दी जिहड़ी वागडोर हैगी आ उह नलायक आगूआं दे हत्थ च दित्ती आ। तो जदों असीं अपने घर दी जां देश दी जां अपनी स्टेट दी जिहड़ी वागडोर हैगी आ मलकीयत किसी होर नूं दे दिंदे आ, तो फिर किद्दां ते की हाल हुंदा है? तो वह जिहड़ा मालिक हैगा कुछ महीनों बाद जो वापस आउंदा हैगा तां उहदा नौकर उहनूं लैण जांदा है अगों। जदों अगों नौकर लैण जांदा है तो मालिक पुछदा है बई आप तू मैनू इदां तुर के क्यों लैण आया, तो बोती नहीं लैके आया, क्योंकि अगे तो तू बोती लैके आना तो मैं बोती तो बड़ी टौर नाल वापस आपदे पिंड नूं घर नूं जाना, तो नाल जिहड़ा मेरा जिदा मतलब वफादार जिहड़ा कुत्ता है वह भी नहीं आया। तो नौकर अगों की कहिंदा हैगा कि जिहड़ी बोती सीगी वह कुत्ता जिहड़ा हैगा वह मर गया। वह कहिंदा कुत्ता किद्दां मर गया, मतलब बहुत उदास होया मालिक, कहिंदा कुत्ता किद्दां मर गया? कहिंदा बोती का गोडा उहदे मूँह च फस गया सी। हुण पुराने बजुर्गों नूं पता है कि मरी हुई बोती का जिहड़ा गोडा हुंदा सी वह अक्सर ही कुत्तियां दी मौत का कारण बनता सीगा। कहिंदा है बोती भी मर गई, तो वह जिहड़ा नौकर सी कहिंदा होरां दा जिउंदी होई दा गोडा फस गया। वह बहुत हैरान होया, कहिंदा बोती किद्दां मर गई? कहिंदा आपां इट्टां ढाउंदे सी कबर वास्ते। कहिंदा किहड़ियां इट्टां ढाउंदे सी? कहिंदा मकान ढाता। कहिंदा है मकान भी ढाता? तो कहिंदा हाँ। कहिंदा मकान कातों ढाता? कहिंदा कबर बनाउणी सी। कहिंदा किहदी कबर बनाउणी सी? कहिंदा माँ की कबर बनाउणी सी। कहिंदा ओए माँ भी मर गई? तो कहिंदा होर जिउंदी दी बनाउणी सी। तां हुण तुसीं देखो जिहड़ा मालिक जिहड़ा नलायक नौकर दे हत्थ जां कह दो कि अपने घर दी जिहड़ी मलकीयत किसे दे हत्थ कर गया भावें थोड़े समय लई, तो उहने घर दा की हालत कर दित्ती है ना। हुण असीं उस स्टेज ते पहुँच गए हाँ उस मालिक वाली जिहड़ी साडे नाल होई आ, वी साडे कोल हुण कुछ नहीं रहा, असीं खुद ही हाँ। हुण असीं मैं दीप सिद्धू जी दे वीर जी दा धन्नवाद करदी हाँ जिन्हां ने इत्थे स्टेज लाई है। काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही हैगियां, मैं कुछ गलत ना बोल देवां इस करके मैं घट ही बोलूँगी। तो मैं चाहनी हाँ कि टीचे मिथे जाण कि असी करना की है, असी की पाउणा हैगा, असी प्राप्ति की करनी हैगी आ। जदों सानू प्राप्ति का पता लग जाऊगा कि साडा आ टीचा असी आ प्राप्त करना हैगा, तो फिर असी अगे वधांगे। एक दुश्मनी तो जिहड़ी घर दी दुश्मनी है उस तो बचो। पंजाब च किते भी धरने लगे आ, मैं मतलब स्पैशल असी इस तरीके नाल नहीं आए कि असी इसे धरने च जाना, किते भी किसान बैठे आ उन्हां दा जिहड़ा मसला एक ही आ किसानी नूं बचाउणा। तो सो मैं सोचदी कि इत्थे सियासत ना कीती जावे, दुश्मनी तो जिहड़ी घर दी दुश्मनी है तो बचिया जावे। सारियां किसान यूनियनां सारे समाज नूं मैं अपील करदी हां कि दुश्मनी तो बच के साडा इक्को ही टीचा है पंजाब नूं बचाउणा। तो जो पंजाब नूं बचाउण दी गल आऊगी फिर उत्थे दुश्मनी जां कोई होर जिद्दां ईगो नहीं होनी चाहीदी, कोई आगू पुना नहीं होना चाहीदा, कोई लीडरी नहीं होनी चाहीदी। कोई किसी भी स्टेज तो बोलदा बोलदा तां हर कोई किसान किसानी बचाउण लई आ। सो आओ दोस्तों असीं घर दी अग नूं जिद्दां इह मतलब ना मचण देईए, असीं सोहणी तरह आपदे जिद्दां इह फलवाड़ी नूं वधिया बणिया रख के दुश्मनियां तो दूर हो के आपां इक्को टीचा मिथ के चलीए। असीं की करना है, किवें कर सकदे हां ते क्यों करना है, शायद ये सवाल भी बहुत छोटे आ। असी कर सकते हैं, बस जो असी ये सोच लिया असी कर सकते हैं तो असी कर सकते हैं। करना की असी पंजाब नूं खुशहाल बनाउणा है, तो पंजाब नूं खुशहाल किद्दां बनाउणा है जो असी अपने दिलां चों ईगो लीडरियां बेईमानियां कढ दांगे, तो जिहड़े नलायक लीडरां नूं असी पहलां पंजाब दी वागडोर दे चुके हाँ उन्हें साडे पंजाब दा की हाल कीता हैगा उहदी मैं उदाहरण तुहानूं दे ही चुकी हैगी हाँ। सो प्यारे दोस्तों मैनूं यही मेरी अपील हैगी तुहाडे अगे कि आओ आपां पंजाब दे किसे भी कोने च बैठे हाँ तो आपां रल मिल के दुश्मनियां छड्ड के अपने पंजाब नूं बचाउण लई अगे आईए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ।